Hey there guys, welcome back to my channel. And in today's video I am going to share with you guys a review of Miss Rose foundations. I have bought two of the deals of Miss Rose, and I'll share with you guys the experience I have with all of the products. At first, let's try to discover and discuss about Miss Rose foundation, which is of shade beige 2. Actually ये एक more like a BB cream. इसका नाम है Purely Natural Foundation. इसके ऊपर लिखा हुआ है professional makeup. ठीक है, beige 2 इसका shade है. I will tell you guys that it is extremely good and quantity wise भी it's fine. और इसका जो blending procedure है that is also very great. You can use it as a BB cream, ठीक है, not as a foundation, but it provides you a full coverage and you will see that you will be amazed that कि इतनी reasonable price में it works really fine. मतलब I am really shocked कि ये इसकी जो price है that is very मतलब low as compared to the other products, जो कि अगर हम foundation के मुतालिक देखें. और BB creams भी जो अच्छी वाली हैं that are quite expensive too, but look at the coverage it is giving you, I am amazed and I would totally recommend you to use it as a BB cream. Miss Rose की ये natural purely foundation works very well with me and it stays for a longer period of time, so I would tell you that you can buy it. It won't be a wastage of your money. तो ये मेरा इसके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो I would totally recommend you guys to buy it. ठीक है, अब the next one is professional makeup Miss Rose foundation. मैंने as I told you guys before that I have bought two deals of Miss Rose and ये दूसरी डील में थी. The other one was from second deal. तो इसका भी एक्सपीरियंस आई शेयर विद यू गाइस. अच्छा, अबाउट दिस फाउंडेशन आई वुड टेल यू दैट कि आप इसको फाउंडेशन के तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं. जो पहला नेचुरल जो मैंने आपको बेज टू शेड में बताया था फाउंडेशन के बारे में, आप उसको बेबी क्रीम के तौर पर यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड यू कैन वॉश योर फेस और रीअप्लाई इट टू. लेकिन ये जो है ना, ये फाउंडेशन के तौर पर ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती है. और इसकी क्वांटिटी 30 ml है और ये सिल्क फाउंडेशन है, ठीक है, लिक्विड फाउंडेशन है. ये इसका जो आपकी स्किन के साथ टेक्सचर है ये भी फ़ौरन मैच हो जाता है. मिस रोज़ के सारे प्रोडक्ट्स एक तरह से वर्क नहीं करते हैं बिकॉज एवरी प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन क्वालिटी. ठीक है, अब ये देखें, मिस रोज़ की जो फाउंडेशन है ये काफ़ी अच्छी है. पहली तो बात यह कि मिस रोज़ की सबसे अच्छी बात जो ये है कि इनके प्रोडक्ट्स जो है ना एक्सपेंसिव नहीं है. लेकिन मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि प्राइस उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाते हैं. अब ये जो प्रोडक्ट हैं मिस रोज़ के, ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते हैं. आई हैव बिन यूजिंग इट फॉर अ वाइल. समटाइम्स मतलब बहुत ऐसे फंक्शंस जहाँ पर ज़्यादा देर के लिए स्टे ना करना पड़े उधर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ. लेकिन ये ऐसा है कि ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है मेरी स्किन. अच्छा, अब ये 24 आवर्स के लिए तो स्टे नहीं कर सकती है. मतलब ये इसके ऊपर लिखा होता है इसकी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, कि ये 24 आवर्स के लिए स्टे करेगी आपकी स्किन पर. इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट, बट अगर आप प्राइस वाइज देखें तो ये अच्छी है काफ़ी. मेरी ये जो फाउंडेशन है ऑयल फ्री है, एक्ने प्रॉब्लम नहीं होता इससे, स्किन पर स्किन केक ही नहीं लगती है. और क्या चाहिए इतनी कम प्राइस में आपको. तो इसलिए आई वुड टोटली रिकमेंड यू गाइस टू बाय दीज फाउंडेशंस. बोथ ऑफ देम आर रियली गुड. एक को बीबी क्रीम के तौर पर यूज़ कर लें, एक को फाउंडेशन के लिए यूज़ कर लें. मेरा तो इनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये बाय कर सकते हैं. दोनों फाउंडेशंस अच्छी कवरेज प्रोवाइड करते हैं.
स्किन बिल्कुल नेचुरल लग रही होती है, और जो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन पे कुछ डार्क पैचेस होते हैं, ये उसको भी कवर कर देते हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल आपको लुक प्रोवाइड करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि आपकी स्किन का कलर कुछ और है। समटाइम्स ऐसे होता है, कुछ लोग जिनको आइडिया नहीं होता कि कौन सा कलर कौन सा शेड उनकी स्किन के साथ मैच कर रहा है, तो वो ग्रेइश सा स्किन पे दे देता है लुक। लेकिन ये जो है ना, इस ये बिल्कुल नेचुरल फील होता है, एक ब्राइटन अप कर देता है आपकी स्किन को, और ज़्यादा देर के लिए स्टे भी करता है और अच्छा भी है। लेकिन ये नहीं है कि 24 आवर्स के लिए स्टे कर जाए। सो आई विल टोटली रिकमेंड यू गाइज टू बाई बोथ ऑफ दीज फाउंडेशंस। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिस रोज़ की डील्स जो है ना वो लाजमी शेयर करूँगी, और मैं उन पर वीडियो बनाऊँगी। तो मेरी अगली वीडियो तक के लिए प्लीज़ वेट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और ये टोटली अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, और मैं आपके साथ मुकम्मल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी।